सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं जस फ्रॉम सैमिन जोस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। आज फिर आया हूं आप लोगों को बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात करने के लिए। बिजनेस ग्रोथ में सबसे जरूरी बात, बहुत सारे लोग प्लान ए भी रखते हैं अपने साथ, प्लान बी भी रखते हैं, प्लान सी भी रखते हैं, प्लान डी भी रखते हैं। तो ये प्लान ए बी सी डी ई एफ जी एच बहुत सारे लोगों का, आज पहले ये करा नहीं हुआ तो चलो प्लान बी में जाते हैं, फिर वो किया फिर नहीं हुआ, प्लान सी पे पहुंच गए, प्लान डी पे पहुंच गए। ऐसे लोग ना कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अभी प्लान ए बी सी मतलब कि मैंने आज ये बिज़नेस स्टार्ट किया और ये बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद में नहीं 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 यार ये बिज़नेस में मज़ा नहीं आ रहा, ये बिज़नेस मेरे लिए है ही नहीं, फिर वो दूसरा बिज़नेस पे चालू हो गए, फिर वो तीसरे बिज़नेस पे चालू हो गए, फिर वो चौथे बिज़नेस पे चालू हो गए। वो पूरी ज़िंदगी बिज़नेस ही चेंज करता रहता, वो एक जगह पे टिकता ही नहीं है। क्यों नहीं टिकता? सबसे पहले तो प्रेशर लेने की, जैसे मैंने आपको बताया था 3 P जो है, प्रेशर लेने की हिम्मत नहीं है, पेन दर्द लेना नहीं है, तीसरा पेशेंस है नहीं, तो प्लान चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लाइफ में देखो, बड़े कमाल के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 12 साल तक उन्होंने मतलब कैसे निकाले वो उन्हीं को ही पता है, ही नोज़ बेटर कि भैया बिस्किट्स खा के उन्होंने अपनी 12 साल, कभी मिला खाना कभी नहीं मिला, लेकिन अपना प्लान छोड़ा नहीं। जो प्लान ए है मुझे यही करना, मतलब वेरी क्लियर कि मुझे यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो आप, इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो आप, इसको देख सकते हो कि यार ये ऐसे नहीं वैसे। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं मेरी भी बात करूँ, मैं अपनी भी बात बताता हूँ आपको। जब मैं घर से निकला था ये काम करने के लिए, तो मेरे पास में प्लान भी नहीं था, मुझे वापस घर जाना नहीं था, जेब में पैसा था नहीं, जो भी करना यही करना है और इसके अलावा कुछ करना नहीं। तो मेरी लाइफ का भी जो स्ट्रगल पार्ट रहा है वो बहुत सालों का रहा है, बहुत सालों का, जिसमें कई रातें खाना नहीं भी मिला। अगर आप मेरे घर की हालत देखते तो वो भी मतलब बहुत डामाडोल थी, घर में कुछ होता नहीं था, अकेला मैं ही होता था, कोई होता नहीं था पूछने के लिए, ये मैंने अपना स्टोरी आप लोगों को बताई है। तो अगर मेरे पास प्लान बी होता तो मैं कभी भी एक चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं करता, इम्प्रूव नहीं करता। देखो, इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसी काम को आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में क्या चल रहा है और क्या चीज़ों को मैं लेके आऊँ, कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव करूँ, अपने सॉफ्ट स्किल को कैसे इम्प्रूव करूँ, अपने कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करूँ, वो आपको आपके काम के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। लेकिन आप काम चेंज करते रहोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। आपको ये पता, भैया मेरे पापा का बिज़नेस तो है ही है मेरे साथ में, लेकिन मैं अपना स्टार्टअप करूँगा चलेगा, ठीक है, नहीं तो पापा का कर लूँगा, भैया का कर लूँगा, यहाँ कर लूँगा, वहाँ कर लूँगा, कपड़े के टेक्सटाइल में चले जाऊंगा, ये ट्रेडिंग कर लूँगा, टायर का बिज़नेस कर लूँगा, होटल का बिज़नेस कर लूँगा, फलाना कर लूँगा, एयरलाइंस का कर लूँगा, प्रॉपर्टी का कर लूँगा, भैया कहीं के नहीं रहोगे। एक चीज़ पकड़ लो, माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है जो भी काम कर रहे हो, और उसके बाद में उसी पे लगो, उसकी चीज़ें देखो, उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करने लायक मेरे अंदर है, उसको इम्प्रूव करते रहो और उसको ही पकड़ के चलते रहो। फिर कितने भी साल हो जाएं, सक्सेस नहीं भी मिली तो भी कोई बात नहीं है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, रिजेक्शंस होने में बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे प्लान ए था लेकिन रिजेक्शंस बहुत थे, ऐसे ही अमित जी ने, आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कितनी बार, एक ही चीज़ पे कितने रिजेक्शंस मिले उनको, उसी जिसके आज महानायक हैं, सदी के महानायक हैं, उनकी इनिशियली कितनी बार गिरे होंगे वो, कितनी बार फेलियर्स उनकी लाइफ में आए, कितनी मूवीज फेल हुई, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। किसी को कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिली है, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्लान ए को पकड़ के चलो, जो भी आपको करना है, भले ही आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है, हेयर कट करना है, मेकअप करना है, उसी को पकड़ो, अपनी कमियों को इम्प्रूव करो, उसमें प्लान्स करते रहो, यार इस कमी को चेंज करने के लिए मेरे को कहाँ से कोर्स करना है, या मेरे को हेयर कट्स को और इम्प्रूव करने के लिए, सैलून को और बढ़ाने के लिए मुझे कहाँ से काम करना है, मैंने अपनी पर्सनालिटी को कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी वीडियोज़ देख के कर सकता हूँ, कौन सी अकेडमी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि प्लान ए जो भी आप कर रहे हो, पहले तो क्लियर गोल करो, उसके हिसाब से प्लान पकड़ लो और उसे भी काम करते रहो, इधर उधर मत भागो,
पेशेंस से एक ही जगह पर रुको, फिर देखना आप कितने बड़े इंसान बनते हो। तो एक ही काम करो, बार बार इधर उधर मत भागो, एक ही काम करते करते आगे बढ़ो, और ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। जाने से पहले बस दोबारा यही बोलूँगा कि आपको अगर कोर्सेज करने हैं हेयर के, मेकअप के, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के भी और अकेडमी के भी, बहुत छोटे से अमाउंट के साथ, और ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए है। अगर आप लोगों को करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। 5,000 रुपये का ऑनलाइन क्लास आपका मेकअप का, 2 महीने का कोर्स का कोई नहीं करा सकता। अकेडमी के अंदर अगर आप आके करते हो तो वही मेकअप का कोर्स जो 5,000 का ऑनलाइन है वो सिर्फ 20,000 रुपये का है, कोई नहीं करवा सकता। बाकी ऑनलाइन हेयर क्लासेस भी चल रही हैं, उसको भी इसी नंबर पे पता करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो, व्हाट्सएप करो, कॉलिंग हम लोग उठा नहीं पाते। तो आपको करना है व्हाट्सएप, उस पर लिखना है या आपको वॉइस मैसेज भेजना है, मुझे ये कोर्स करना है, बिल्कुल आपको आंसर आएगा। 10,000 रुपीज़ का 3 महीने का अकेडमी में कोर्स है गर्ल्स हेयर कट एंड केमिकल। इसी तरीके से बॉयज हेयर कट एंड केमिकल का भी 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, ऑफर में है, कुछ ही दिनों के लिए है। अगर आप लोगों को करना है तो इसी नंबर पे आपको अभी के अभी कॉल करना है, पता करना है और ज्वाइन करना है। लेकिन प्लान ए पकड़ के चलो और इधर उधर मत भागो, डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस है वो आपको मिलने ही वाली है। भले ही किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, पेशेंटली लगे रहो, इम्प्रूव करो, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। ये मेरा दिल से आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि बस लगे रहो और बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।